रीवा में एक साथ चार नए लोग मिले कोरोना पॉजिटिव। वहीं रीवा में चुनहाई कुएं के पास देर रात स्वास्थ्य विभाग ने 5 लोगों को स्क्रीनिंग के लिए उठाया। यह एक रीवा के लिए चौंकाने वाली खबर हो सकती है। सभी रीवा जिले के गुड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत द्वारी निवासी हैं। उन 4 लोगों की बात की जाए जो पॉजिटिव पाए गए हैं, यह लोग अभी हाल ही में सूरत से लौटे थे। इनके लिए स्क्रीनिंग करके इनको होम क्वारंटाइन कर दिया गया था, जिनके नाम इस प्रकार से हैं: नवनीत पांडे, अनु पांडे, विनीत पांडे, 5 वर्षीय बच्चा। हम आपको बता दें, सभी 4 कोरोना संक्रमितों को डीया में बने क्वारंटाइन सेंटर में क्वारंटाइन कर दिया गया है। पूरा प्रशासन इनसे जुड़े हुए लोगों की लिस्ट बनाने में व्यस्त हो गया है। हम आपको बता दें, इसके पूर्व रीवा जिले में 3 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित थे। चौथे पेशेंट की छुट्टी हो गई। डॉक्टर सिंगल की बहन की रिपोर्ट निगेटिव आने से उन्हें अस्पताल में छुट्टी दे दी गई है। डॉक्टर सिंगल की बेटी का इलाज संजय गांधी अस्पताल में अब भी जारी है। एक साथ एक ही गांव के 4 लोगों का इस तरीके से पॉजिटिव मिलना रीवा जिले के काफी खतरनाक माना जा रहा। हमारी टीम ने पहले ही आगाह किया था, बाहर से आने वाले लोग ही रीवा में कोरोना वायरस लेकर आएंगे। हमारी यह बात बिल्कुल सही साबित हुई। पूरे दिन में इस तरीके से एक ही जगह पर 4 लोगों के संक्रमित होने की खबर काफी चौंकाने वाली है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इन 4 को गोविंदगढ़ रोड में डीया के पास क्वारंटाइन सेंटर में क्वारंटाइन कर दिया गया है। हालांकि प्रशासन इन पर नजर पहले से रखे हुए था। जांच रिपोर्ट के समय इनकी स्थिति देखकर स्वास्थ्य विभाग के अमले को इनके पॉजिटिव होने की शंका हुई थी। इन 4 लोगों में से एक 5 साल का बच्चा भी है, पॉजिटिव पाए गए हैं। रीवा में, या यूं कहें पूरे विंध्य में, कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 25 हो गई है। यहां आपके लिए जानना जरूरी है, विंध्य में 7 जिले हैं। जिलों के हिसाब से बात की जाए तो रीवा में 8, सतना में 7, सीधी में 1, सिंगरौली में 1 भी नहीं। यही राहत देने वाली बात मानी जा सकती है। बात शहडोल की तो वहां पर 3, अनूपपुर में 3, उमरिया में 3, रीवा में 1 मरीज पॉजिटिव से निगेटिव हुआ था। वह थी डॉक्टर सिंगल की बहन। जिस तरीके से विंध्य में कोरोना वायरस फैल रहा है, वह वाकई चिंताजनक है। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, सरकार के दिए दिशा निर्देशों का पालन करिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अपने मेजबान जीशान जावेद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।